नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह केस में ड्रग एंगल की जांच कर रही एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती से बॉलीवुड के कई नामों के खुलासे की बात सामने आई है। फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। इस मामले की गूंज संसद तक सुनाई दे रही है। अब इस मामले पर गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया है। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि लॉकडाउन के दौरान फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर कोई सबूत नहीं है। कांग्रेस सांसद के सुधा करण के एक सवाल के लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि कोरोना के चलते लागू हुए लॉकडाउन के दौरान अभी फिल्म इंडस्ट्री और ड्रग डीलरों के बीच कोई कनेक्शन सामने नहीं आया है, साथ ही ना ही कोई ऐसी सूचना सामने आई है जिसमें फिल्म इंडस्ट्री और ड्रग डीलरों के बीच कोई रिश्ता पता चला हो। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि मुंबई ड्रग्स केस में चलाए जा रहे ऑपरेशन में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं, अब तक इस केस में जुड़ी कार्रवाई में इन लोगों के पास से गांजा, हशीश जैसे नशीले पदार्थ भी प्राप्त हुए हैं। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सूचना के आधार पर ड्रग मामले में जांच कर कार्रवाई करती है। इस कार्रवाई में छापा मारना और ड्रग्स को जब्त करना भी शामिल है। बता दें कि बीजेपी सांसद रवि किशन ने 14 सितंबर को लोकसभा में बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन के मुद्दे को उठाया था। इसके अगले दिन यानी मंगलवार को सपा सांसद जया बच्चन ने राज्य भवन में रवि किशन के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स कनेक्शन के आरोपों को साजिश करार दिया था। जया बच्चन ने बिना नाम लिए रवि किशन पर हमला बोलते हुए कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।